आजमगढ़ न्यायिक कार्यों से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्री मांगों और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि समस्याओं को लेकर विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माननीय अध्यक्ष हरिशंकर सिंह अधिवक्ता के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर कई बार वार्ता की अपेक्षा की, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के समस्याओं प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हुए वार्ता नहीं की, जिसको लेकर अधिवक्ता काफी नाराज हैं। इसी को लेकर आज अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। अपना पर्ची बता दें। अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मंत्री हूँ वर्तमान। अच्छा, आज लोग ज्ञापन दिए हैं, इसका क्या उद्देश्य? आज जो ज्ञापन दिया गया है वो बार परसों का आह्वान हुआ था और वो 4 चरणों में हम लोगों का कार्यक्रम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारे बार परसों के सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष जी को, वो समय नहीं दे रही है। जो हमारी समस्याएँ हैं उसके लिए वार्ता के लिए वो बिल्कुल तैयार है। आपको ये भी बता दे रहे हैं कि 40 करोड़ रुपया उनको हम लोगों को हर वर्ष देना था, वह आज जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल डम करके रखी है। वो 40 करोड़ हमारा ही पैसा हमें नहीं दे रही, और जो उन्होंने अपना वो बनाया था संकल्प पत्र जब चुनाव में वो आए थे तो उसमें उन्होंने विधवत नोटिस सब कुछ बनाया था, और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ तक प्रचार करने भी आए थे आजमगढ़ के बार एसोसिएशन में। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तुरंत निश्चित रूप से ये मांगें आपकी मांग सुनी जाएंगी और पूर्ण की जाएंगी। 1.5 लाख से 5 लाख आपका हो जाएगा प्रत्येक अथवा न्याय समिति जो हमारा अधिवक्ता कल्याण करता है, वो आज तक नहीं हुआ। और 5 लाख रुपया जो हमारे वकील साहब 60 से 70 वर्ष के बीच में मर जाते हैं तो उनके परिवार यानी उनकी विधवाओं के या उनके परिवार के जो लोग रहते हैं उनको दिया जाता है, वो पैसा आज तक जो है लगभग 300 विधवाएँ, इसमें हमने ज्ञापन में डाल रखा है, 300 विधवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चक्कर लगा रही बार काउंसिल का, वो पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब गवर्नमेंट दे नहीं रही है तो हम दे देंगे। उन्होंने योजना तो लागू कर दिया है लेकिन देने के नाम पे बिल्कुल ठप है और हमारी बात भी नहीं सुने। अगर इस 15 अप्रैल के पहले अगर वो हमारी बातें नहीं सुने तो निश्चित रूप से हम विधानसभा का घेराव 15 अप्रैल को करेंगे। इसके बीच जो हमारा कार्यक्रम है 16 मार्च को है, 23 मार्च को है, इसमें हम जनपद के जो हमारे प्रशासन अधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे। उस दिन हम लाल पट्टी बांधेंगे, काफी हम विरोध करेंगे और पूरा डंडे गाजे बाजे के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा होगा।